धौलपुर में थमा चुनाव प्रचार का शोर, आखिरी दिन सीएम राजे ने किया रोड शो। उधर कांग्रेस का भी जीत का दावा। अलवर में कथित गो तस्करों की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान समेत 6 राज्यों को सरकारों से मांगा गया जवाब। मानवाधिकार आयोग ने भी किया जवाब तलब। कत्ल के 3 आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल। बांग्लादेशी पीएम की अगवानी में मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल। शेख हसीना की अगवानी के लिए अकेले पहुंचे गाड़ी लेकर। पीएम मोदी पहले भी चौंका चुके हैं एक्शन। एयर इंडिया ने हटाया शिवसेना एमपी रविंद्र गायकवाड़ से बैन। उड़ियन मंत्रालय ने लिखी चिट्ठी। गायकवाड़ ने विमानन मंत्री को खत लिखकर जताया था खेद। देश में शराबबंदी को लेकर मुखर हुए स्वर। दौसा के कलवान पंचायत में जीते ग्रामीण, तो बूंदी में छात्राओं ने दिखाया अनोखा प्रदर्शन। नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारी। धौलपुर में उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर आज की शाम थम चुका है। इसके साथ ही ये तय है कि मैदान में मुख्य पार्टियों के रूप में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होगा। 9 अप्रैल यानी परसों वोटिंग के बाद मतों की गिनती का दौर 13 अप्रैल को होगा, जो कि तय करेगा विधानसभा में धौलपुर शहर के प्रतिनिधि के रूप में कौन पहुँचने वाला है। पर आज शाम तक के दौर में कौन सी पार्टी या नेता ने जनता के लफ्ज को ठीक से समझा है, कहां लगता है कि विपक्ष मजबूत है और कहां लगता है कि सरकार का करिश्मा बरकरार है, कहीं कोई पीछे है, तो क्या वजह इसकी हो सकती है, इस चुनाव और परिणाम का प्रदेश की सियासत पर कितना असर हो सकता है। इस बार चंबल किनारे जो चुनाव है, इस पर तफसील के साथ बातचीत होगी। खास मेहमानों के साथ आपकी राय के बीच जारी रहेगा बिग फाइट लाइन। चुनाव चंबल किनारे हैं और जयपुर में डिबेट करेंगे हम इस पर। भारतीय जनता पार्टी से मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता राम नारायण मीणा जी हमारे साथ हैं। विश्लेषक मानचंद खंडेला साहब हमारे साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी पाराशर जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं। इसी के साथ क्या कुछ कहना है इन पार्टियों का, इन दावों के बीच में क्या नज़र आता है, बयानों पर एक नज़र। ये धौलपुर अपना परिवार है, राजस्थान का परिवार है और मैं उसकी बहू हूँ। सबने ये कहा है कि हमें विकास के साथ अब जुड़ना है। इतने दिन से कांग्रेस को सपोर्ट करके हमने गलती की है और मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि शोभा रानी के पीछे हम लोग सब खड़े हैं और हम मिलके इस 33वें जिले का विकास करेंगे। लेकिन धौलपुर मुख्यमंत्री का जिला है और अगले साल राजस्थान के विधानसभा के चुनाव भी होंगे। निश्चित रूप से चुनाव हम जीतना चाहते हैं और हम जीतेंगे भी, क्योंकि ये जो चुनाव है ये सरकार के कार्यकाल पर एक आईना होगा। लोग सरकार के कार्यकाल को आंकेंगे और 3.25 साल से जो हालात पैदा हुए राजस्थान में, उसके विरोध में आज जनभावना लोगों के सामने है। हमने बड़ा सोच समझ कर एक वरिष्ठ उम्मीदवार धौलपुर में दिए हैं। बनवाईलाल शर्मा जी ने दशकों तक क्षेत्र की सेवा करी है, नियमों के तहत रहकर के चुनाव लड़ रहे हैं और आज धौलपुर की जनता विकास के साथ है। आज धौलपुर की जनता को इस बात का विश्वास है कि हमारा विकास यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कर सकती है, आदरणीय वसुंधरा राजे जी कर सकती है, क्योंकि निरंतर 50 वर्षों तक यहाँ पे कांग्रेस के विधायक जीत करके आए। दो दो कांग्रेस के विधायक यहाँ पर मंत्री बने कांग्रेस के, परंतु उन्होंने धौलपुर का कभी विकास नहीं किया। धौलपुर का विकास हुआ तो केवल मात्र 2003 से लेकर के 2008 तक, जब आदरणीय वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी। अगर ये गवर्नमेंट का फैसला करती है कांग्रेस पक्ष में, तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश की भावनाओं का आदर होगा, क्योंकि लोगों को बहुत भयंकर गुस्सा है। इतने भारी बहुमत से सरकार पहली बार बनी वसुंधरा जी की, 163 बहुमत से। जनता की आशा अपेक्षा है उसके अनुकूल थी, उसे पानी फेर दिया। जनता पूछती है हमारा क्या कसूर है, हमने आपको इतना भारी बहुमत दिया पर आपने निकम्मी नकारा सरकार क्यों चलाई, क्यों लापरवाही करी, क्यों जनसुनवाई नहीं करी, क्यों आपने कोई काम हुआ नहीं राजस्थान के अंदर जो हमारी स्कीमें थी जनकल्याण की,
पेंशन की, दवाओं की, पशुओं की दवाओं की, गेहूँ की, सब स्कीमों को इन्हें कमजोर कर दिया या बंद कर दिया। प्रचार का दौर तो थम चुका है, लेकिन प्रचार के तरीकों को लेकर भी सवाल हुआ, मुद्दों को लेकर भी सवाल हुआ। विपक्ष पूछा कि क्या सरकारी तंत्र का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। आज इसी सवाल पर हमें आपकी राय का इंतजार है, लेकिन साथ ही मुद्दा प्रचार का है, प्रचार के तरीकों को लेकर है। धौलपुर की नब्ज क्या कुछ कहती है, बात इस पर होगी। हमारी वेबसाइट के साथ साथ आप अपनी राय फेसबुक या फिर ट्विटर पेज पर भी दे सकते हैं। सबसे पहले श्याम जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। इस प्रचार के तरीके को अगर इस बार देखा जाए, धौलपुर के चुनाव को देखा जाए, आमतौर पर उपचुनाव और ख़ासतौर पर जब सरकार के कार्यकाल को 1.5 साल का वक्त बचे तब हो, तो आम जनता में गंभीरता नज़र नहीं आती, उत्साह नज़र नहीं आता। लेकिन इस बार लग रहा है कि पूरे स्टेट का चुनाव धौलपुर में है, क्या ऐसा ही प्रचार हुआ? अश्विनी जी, ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में नहीं हो रहा है। ये तो चुनाव सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा का लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि उनके भविष्य का राजनीतिक फैसला इस चुनाव से होने जाएगा। आप हाल ही में भाजपा की आने वाले 15 और 16 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, 13 को चुनाव परिणाम का घोषणा होगी। अगर वसुंधरा जी का कैंडिडेट जीतता है तो बड़ी शान से जाकर के वो बोल पाएंगी कि मेरी प्रतिष्ठा अभी भी राजस्थान में कायम है, मैं आगे का मान संभालने के लिए तैयार हूँ। और सचिन पायलट को भी राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि मैं जीता हूँ तो किस कारण जीता हूँ, हारा हूँ तो क्यों जीता हूँ। तो ये फैसले बड़े रोचक है। और आप देखिए कि चुनाव धौलपुर के लिए तो लड़ा जा रहा है, लेकिन वहाँ बाहरी लोगों को तामझाम और जिस प्रकार से किया गया, दिखाया गया कि रोड शो हो रहा है, तो मुख्यमंत्री को पैदल सड़कों पर आना पड़ा। इस चुनाव को कह रहे हम विकास यात्रा बहुत तेजी से कर रहे थे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए 100 करोड़ रुपए उन्होंने अस्पताल को दिए, 850 करोड़ रुपए चंबल के नाम। धौलपुर की जब बात करते हैं तो चंबल का जिक्र आता है। चंबल कहते हैं कि दिशा से उल्टी बहा करती है, आमतौर पर देश की नदियां जिस तरह से बहती है उससे उल्टी दिशा में चंबल का बहाव है, और धौलपुर की जनता का भी हमने देखा है कुछ इसी तरह का मिजाज है, सत्ता विरोधी हमेशा मतदान रहा है। अश्विनी जी, आज जिस प्रकार से बीएसपी ने जो घोषणा की है ना, उससे भाजपा का जो चुनाव प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा था उस पर कुछ अंकुश लगा। उन्होंने कहा कि हम उसमें जो उत्तर प्रदेश में हमको जिस प्रकार का परिणाम भोगना पड़ा है, हम बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो ये समर्थन करना, बीएसपी के कितने वोट क्या जाते हैं वो तो बात अलग है, लेकिन चुनाव जो रोचक बना हुआ था, जिस मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से प्रयास किया मंत्रिमंडल को ले जा करके, सारी चीज़ें जो कुछ कहा कि आप कुछ भी ले लो लेकिन इस मेरी शोभारानी को जिता करके भेजो, ये जो चीज़ का वादा तो मुख्यमंत्री प्रचार में चेहरे हैं, मुद्दे नहीं आपके मुताबिक? ये तो 100% दो चेहरे हैं, वो भी कांग्रेस का मुखिया सचिन पायलट और इधर वसुंधरा। चलिए अश्विनी जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूँ। डॉक्टर हैं आप, MBBS कर रहे हैं SMS से, लेकिन धौलपुर के कुछ गाँवों में काम भी कर रहे हैं। धौलपुर के जो मुद्दे हैं, आपने 4 लोगों को सुना भी, क्या लगता है कि कहीं वो मुद्दे जिनको लेकर आप ज़मीन पर काम कर रहे हैं यहाँ पर थे? सर, मेरा व्यू तो कहता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जिस पर्टिकुलर गांव पे काम कर रहे हैं, जिस गांव का नाम है राजघाट, जी हाँ राजघाट, आज से पहले जिस दिन से मैं और जब तक मैं उस गाँव से नहीं जुड़ा था तब तक मैंने भी एक ही बार उस गाँव का नाम, एक ही चीज़ सुनी थी राजघाट के बारे में, वो दिल्ली वाला राजघाट। लेकिन जब सेकंड टाइम जब हम गए, मैं भी चौंक गया कि नाम राजघाट और हकीकत कुछ नहीं, ख़त्म, नील, जीरो। एक्चुअली आप चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, मैं एक्चुअली पार्टी विजेस पर ना फोकस करके मैं अपने पॉइंट पर आऊं कि 200 साल पुराना गांव है, आज़ादी को 65 वर्ष के आसपास हो गए, लेकिन वो गाँव 0/0। आप होकर देख कर आइए उस गाँव में, आप किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम लगा के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँगा। आप लोगों को खुली चुनौती है, आप जितने भी स्कीम आप जानते हैं कि ये सरकार की ये स्कीम, ये सरकार की ये स्कीम, सड़क की योजना, विद्युतीकरण योजना, आप एक माह दिखा दीजिए तो मानेंगे कि हाँ ग्राउंड पे काम हुआ है। मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी विजय से ना कह के, मैं एज अ यूथ आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, सभी पार्टी के लिए ओपन है। आप एक बार उस गाँव में होकर आइए और देख कर आइए। मतलब आज एक 21 साल के मेरे छोटे जैसे, मेरे जैसे छोटे से एक स्टूडेंट को एक कितनी बड़ी मुहिम शुरू करनी पड़ गई, एक 200 लोगों का काफिला खड़ा करना पड़ गया, आपने मजबूर कर दिया आपकी नीतियों ने। ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल जीरो। जाहिर है राज तो सबने किया है। मानचंद खंडेला साहब जी, प्रचार का तरीका आपको क्या अलग लगा इस बार? देखिए, मैं इस बात को इस रूप में कहना चाह रहा हूँ, किसी भी हालत में वसुंधरा जी जीतना चाहती हैं और किसी भी हालत में पायलट जी हारना नहीं चाहते हैं। ये दो द्वंद्व जो हैं
वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वसुंधरा जी के सामने तलवार लटकी हुई है और अगर वो जीत जाती हैं, जो कि जीतने के लिए वो मेरे ख्याल से शाम दाम दंड भेद वाली बात सब नीतियां लागू कर रहे हैं, यानी सांसद को भी ला रहे हैं, बहू जी को भी ला रहे हैं, खुद भी सड़कों पे आ रहे हैं, वो जो भी कुछ है वो सारा वो कर रही है। क्यों कर रही है? धौलपुर के लिए नहीं, इस जो सीट है उसको निकालने के लिए नहीं, वो अपने को बरकरार रखने के लिए कर रही है। अगर वो चला यहां से वो हार गई तो जो केंद्र में जो बैठे हुए हैं जो वसुंधरा जी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं उनको एक बहाना और मिल जाएगा, एक बात। दूसरी बात, प्रचार क्या, प्रचार में क्या अलग लगा आपको? मैं उस पर बात करना चाहूंगा। देखिए प्रचार में तो सभी कुछ अलग ही लग रहा है, यानी मुख्यमंत्री को अगर दोनों की बात करेंगे हम जी, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस, नहीं नहीं जैसे आप तय करें। देखिए प्रचार में तो बिल्कुल ठीक, देखिए एक बात मैं बताऊं, एक बात ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री सड़क पर है, इसका मतलब प्रचार अलग तरह का हो रहा है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि पीसीसी के सारे पदाधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, वो भी अलग तरह का प्रचार है। अरे भाई पदाधिकारियों को पहुंचने की जरूरत नहीं है, वहां तो वोटर को पहुंचाने की जरूरत है। और मैं आपको ये कहना चाह रहा था ना कि इसमें केवल एक पेज ही फंसा हुआ है, यानी अशोक जी और पायलट जी, क्या वो वहां पर वोट लेने के लिए जा रहे हैं या वोट काटने के लिए जा रहे हैं? आप समझ सकते हैं कि किसी जनप्रतिनिधि को आमतौर पर चुनाव से पहले कहा जाता है कि इतना आसान नहीं होता जनता के बीच लाना, लेकिन चाहे विपक्ष हो या सत्ता हो, आप देख सकते हैं पूरा दल बल इस वक्त धौलपुर में है। मतलब चुनाव के प्रचार का तरीका इस बार कहीं ना कहीं आक्रामक हुआ है, अंदाज बदला है। हो सकता है राजस्थान में आने वाले चुनाव का 2018 के आखिर का ये एहसास हो सकता है। बहरहाल रामनारायण मीणा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतना मुश्किल मुकाबला कि पूरी पार्टी मैदान में? देखिए पूरी पार्टी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न राजस्थान में जो स्थितियाँ बनी हुई है, हिंदुस्तान में जो स्थितियाँ बनी हुई है, और जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं। मायावती जी ने समर्थन दिया बहुत गंभीर बात है, मायावती जी ने यूपी के लिए भी जो कुछ कहा है, मैं तो व्यक्तिगत उस बात को मानता हूँ, लेकिन यह वो बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने धौलपुर के चंबल के घोषित लोगों का उपयोग किया, एक छूटे हुए डकैत की पत्ती को खड़ा करवा करके जिस तरह से कांग्रेस के वोट काटने की कोशिश की गई, और जिस प्रकार से महलों में पड़ी हुई है, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल पड़ा हुआ है, एक दिन के लिए मैं गया था, सब होटल्स में कहीं मंत्री है, कहीं ओएसडी है, कहीं अधिकारी है, जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग मैंने देखा, मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। धौलपुर वह जगह है जहाँ वसुंधरा जी ने रिप्रेजेंट भी किया है, वो किस मुँह से कह सकती है बीजेपी की चीफ मिनिस्टर कि धौलपुर का विकास नहीं हुआ है? आप वहाँ का रहने वाले हो, वहाँ का नमक खाते हो, वहाँ आपका व्यवसाय है, आप अपने आप को राजा मानते हो, आप वहाँ शासन करते हो, आप रानी नहीं महारानी मानते हो, फिर देखिए लोकतंत्र का राज है, इसलिए लोकतंत्र तो खत्म हो रहा है, लोकतंत्र इंदिरा जी वाला लोकतंत्र कहाँ है? इस मंच पर ये टिप्पणी नहीं, इसलिए वो टिप्पणी की बात तो मैं नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आ रहे हैं, ये 164 सीट आने के बाद में जिस प्रकार से पोजीशन बनी है पिछले चुनाव में, जनता के मुद्दे नहीं है, लेकिन जनता के मुद्दे नहीं है, जनता के मुद्दे ने जिस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट को डिमोलाइज करने के लिए शासन ने जिस प्रकार से किया, और वो आदमी प्रतिष्ठित आदमी जो धौलपुर प्रतिष्ठित आदमी है, इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी वहाँ बैठना पड़ा उस टेरर से मुक्ति दिलाने के लिए, और इस शासन का बद जिसको अपन तंत्र जिसको जिस प्रकार स्थिति होगी, इसलिए वो जाकर यंत्र मंत्र और, तंत्र और, कुछ और, भी कहिए, मुझे लगता है कि प्रजा वहाँ की कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के पक्ष में, और निश्चित तौर पर नतीजा ये तो 13 तारीख तय करेगी, 9 अप्रैल का मतदान तय करेगा। मनीष पारिख साहब, मैं आपके पास भी आना चाहता हूँ, जनता के मुद्दों से ज़्यादा, काम से ज़्यादा इस बार बात हो रही है विपक्ष की नाकामियों की, क्या वजह है, क्यों बेचैन है सत्ता? वजह यही है, कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया राजस्थान में सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए इनके विरोध में वोट दो, तो जनता ने कहा वहाँ की, जब आप विरोध ही नहीं कर पा रहे हो और हमसे उम्मीद कर रहे हो राजस्थान के लिए वोट करें, इसीलिए मुद्दा बना। अश्विनी जी, बड़ी बात यह है कि हमने प्रारंभ में ही वो बिंदु पकड़ लिया है जो अंत में आना था, लेकिन वास्तव में यही बात है, जिस कदर कांग्रेस ने एनर्जी दिखाने की कोशिश करी है, किसानों की लड़ाई करने के नाम पर नाकाम रही, तो वहाँ पर राहुल गांधी जी को ही ज्ञापन दे आई, जब यहाँ पर बात हुई तो 150 आदमी इकट्ठे हुए। अल्टीमेटली पूरे 3.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने कोई अपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, और यही कारण था, विधानसभा में तो 20 आदमी है ही उनके, अल्टीमेटली कुछ भी स्टफ नहीं था। आप किसको दोष देंगे? चेहरों पर केंद्रित हो गया है चुनाव, न कि मुद्दों पर। हमने 4 प्रमुख नेताओं को सुना, 2 कांग्रेस से हैं, 2 बीजेपी से हैं, लेकिन किसी ने मुद्दे की बात नहीं की। अश्विनी जी ने जिन मुद्दों का जिक्र किया, एक गांव का उदाहरण है जहां पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये तासीर है क्या धौलपुर की?
ये तासीर है क्या राजस्थान की? अब थोड़ा तो शुरू से ही ऐसा रहा है कि आगरा से ज़्यादा नज़दीक है, राजाखेड़ा की सड़क उधर जाती है, भरतपुर से सपऊ जाती है। अल्टीमेटली ये बात तो सही थी कि उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो उत्तर प्रदेश के ज़्यादा करीब है और राजस्थान के कोने में आता है। एक बात तो ये भी हो सकती है, लेकिन मतलब परनामी जी को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं, यूं ही बोल रहे थे। लेकिन जो सड़कें बनी वहाँ पे, जो पुलिया बन गई, जो कोई क्रमोन्नत हो गए विद्यालय, जो कोई वहाँ पे आयुर्वेद का पंचकर्म का बना सेंटर, और अगर चंबल के लिए कोई योजना बनी, तो वो सब माननीय वसुंधरा जी की देन है, ये सब जानते हैं। घर जैसा मैं आऊँगा, इस पर बात करना चाहूँगा अश्विनी जी, आपसे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मैंने देखी है। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर ब्रेक के बाद तुरंत प्लॉटिंग आपके बीच में। चर्चा का दौर जारी है, चुनाव चंबल किनारे वाला कितना अहम कितना खास राजस्थान के लिहाज से? नहीं, सरकारी तंत्र का तो हुआ है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, जो उन लोगों को इतना समय मिलता है। पहली बात तो एक क्रिमिनल को टिकट नहीं देना चाहिए, और दिया भी है तो ठीक है जो भी है, लेकिन अब जो राजनीति होनी चाहिए वो विकास की राजनीति होनी चाहिए, बदलाव की राजनीति होनी चाहिए। धौलपुर में जो चुनाव है 9 अप्रैल को, वहाँ पर सरकारी तंत्र का तो दुरुपयोग हो ही रहा है। वसुंधरा जी वहाँ पे मौजूद हैं और उनका पूरा कैबिनेट वहाँ पे जी जान लगाए हुए हैं।